पीका कानून के तहत गिरफ्तार अफराद के ट्रायल के लिए कानूनी तकाजा पूरा कर लिया गया है। इस्लामाबाद में ट्रायल कोर्ट्स का कयाम अमल में आ गया। कानूनी माहरीन इस बारे में क्या कहते हैं जानते हैं सुप्रीम कोर्ट में मौजूद नुमाइंदा आज न्यूज अफजल जावेद। अफजल जावेद बताइएगा कानूनी माहरीन क्या कहते हैं इस पे। जी बिल्कुल, वाकई हुकूमत की जानिब से पीका एक्ट के तहत गिरफ्तार मुलजमान के ट्रायल के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म पर इस्लामाबाद में जो है खसूसी अदालतें कायम कर दी गई हैं और जहां पर मुलजमान को जो है लाया जाएगा उनका ट्रायल जो है शुरू किया जाएगा। इसका क्या इम्पैक्ट होगा, हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जो एडवोकेट हैं इमरान शफीक चौधरी। देखें, इससे बुनियादी तौर पर अमली तौर पर कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा। पहले जो बुनियादी कानून की तशरी थी ना वो गलत की जा रही थी। वो तशरी ये थी कि जो एफआईए जो मुकदमा दर्ज करती थी पेका के तहत उनको जो स्पेशल जज सेंट्रल है उसकी अदालत में पेश कर दिया जाता था। तो अदालत ने इसकी वजाहत ये की, इस्लामाबाद हाई कोर्ट की फुल कोर्ट का फैसला है, उसमें उन्होंने वजाहत इस बात की कर दी कि देखें ये जो स्पेशल जज सेंट्रल है उसकी अदालत में ये मुकदमात नहीं चल सकते। ये आम अदालतें जो हैं जिसमें बुनियादी तौर पर एडिशनल सेशन जज या सेशन जज की जो अदालत है उसमें ये मुकदमात चलेंगे, और उसमें से अगर किसी अदालत को आप खसूसी इख्तियारात देना चाहते हैं इन मुकदमात को सुनने के तो वो सुन लेगा। तो ये बुनियादी तौर पर एक जुरिसडिक्शन का इख्तियार समाअत का एक मसला था। तो अब ऐसे ही है कि अब ए अदालत में ये केस सुना जाएगा, अब बी अदालत में ये केस सुना जाएगा। जी बिल्कुल, इमरान शफीक का यही कहना था कि अगर पीका एक्ट के तहत जो जिस तरीके से कानून नाफिज करने वाले अदारे अपना काम करेंगे अपनी अथॉरिटी में रह के काम करेंगे तो ज़रूर उसमें बेहतरी आएगी, वरना जो है पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का जो सिलसिला है वो ज़रूर जारी रहेगा।